वेलकम स्टूडेंट्स कल मैंने आपको बताया था सेंटेंस क्या होता है एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस के बारे में आज मैं आपको इजीली एक्सप्लेन कर दूंगी फटाफट -फड़ से कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो होते हैं इनको आप इजली कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा डिक्लेरेटिव है कौन सा इम्पोरेटिव है और कौन सा आपका इंट्रोगेटिव है और कौन सा आपका एक्सक्लेमेटरी है ओके okay, तो पहले आपको मैंने कल बताया था कि पहला टाइप क्या होता है डिक्लेरेटिव जो मैं आपको जल्दी से रिवाइज करा देती हूँ कि कौन कौन से टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं पहले पहला होता है हमारा डिक्लेरेटिव दूसरा क्या होता है हमारा एम्परेटिव एम्परेटिव कौन सा होता है जिसमें हमारी कमांड होती है या तो हम विश करते हैं या हम क्या करते हैं रिक्वेस्ट करते हैं और जो डिक्लेरेटिव होते हैं वो कौन से होते हैं जिसमें हम सिंपली क्या है? करते हैं किसी बात को डिक्लेयर करते हैं ओके जैसे सनराइजेस इन द ईस्ट का एग्जांपल दिया था तो द सनराइजेस इन द ईस्ट में क्या था इट्स सिंपल सेंटेंस इट इज अंपल सेंटेंस इम्परेटिव मैं बताया था आपको कि कमांड होती है कमांड या ऑर्डर जैसे कि गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर तो इसमें क्या है हम ऑर्डर कर रहे हैं तो कमांड है इसी तरह से विश विश क्या होती है हम कुछ विश करते हैं कि जैसे कि प्लीज अगर हम विश कर रहे हैं कि जैसे हेल्प द पुअर हेल्प द पुअर में अपनी विश है कि भगवान गरीबों की हेल्प करे या कोई भी हेल्प करे तो क्या है वो हमारी विश है ओके तो ये क्या हो गया इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा नेक्स्ट आता है रिक्वेस्ट इसके अंदर रिक्वेस्ट में बताया था कि क्या लिखता जाए तो प्लीज़ ऐसे जैसे एग्जाम्पल है हमारा प्लीज़ प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर तो ये क्या है हमारी रिक्वेस्ट हम किसी से कर रहे हैं तो इट इज एन एम्परेटिव सेंटेंस नेक्स्ट बताया था आपको इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव में क्या है डायरेक्ट है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वेश्चन मार्क लगेगा इनमें जैसे कि व्हाट इज योर नेम तो व्हाट इज़ योर नेम क्या है क्वेश्चन है कि आपका नाम क्या है इट इज़ अ क्वेश्चन मार्क सो इट इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस नेक्स्ट होता था आपको एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेटरी में क्या बताया था कि इट इज अ सडन डिजायर जो अगर हमको जी फीलिंग अगर हम जैसे कुछ एक्सप्रेस कर देते हैं जब हमें कुछ देखते हैं अगर हम ब्यूटिफुल साइट देखते हैं तो हम कहते हैं ब्यूटिफुल साइट इट इज और वहा वंडरफुल इट इज ओके तो उसमें क्या लगता है एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है ओके okay, आज मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बताऊंगी कि इजीली आप इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा जो है एक्सक्लेमेटरी है कौन सा इंट्रोगेटिव और कौन सा डिक्लेरेटिव है ओके okay, पहला सेंटेंस जो हम लेंगे इसके अंदर वो है फर्स्ट सेंटेंस हाउ स्वीट हाउ स्वीट दिस रोज है पहला सेंटेंस अब इसमें आप देख सकते हैं कि हम ये कह रहे हैं कि जैसे अगर हम किसी रोज की खुशबू लेते हैं स्मेल लेते हैं तो हमारे मुंह से ये निकलता है हाउ स्वीट डिज रोज स्मेल्स तो हम क्या कर रहे हैं अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं जब हम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे तो इट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो हमें क्या करना है इसके अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क पुट करना है तो इट इज़ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नेक्स्ट इज वॉट इज द टाइम बाय योर वॉच तो हम इसमें क्या कर रहे हैं क्वेश्चन पूछ रहे हैं एंड वेन वी आस्क अ क्वेश्चन इट इज वॉट इट इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस वी हैव टू पुट अ क्वेश्चन मार्क ओके नेक्स्ट कम सर थर्ड सेंटेंस प्लीज आप पहले वर्ड से ही समझ गए होंगे जब प्लीज होगा तो इसका मतलब क्या है रिक्वेस्ट एंड वेन देर इज अ रिक्वेस्ट इट इज एन imperative sentence so please help me to lift this box so what it is this it is an imperative sentence because it is a please here please what we are requesting a person so we have to put full stop because in declarative sentences and imperative we put full stop okay next comes to the fourth sentence you must never lie or cheat तो इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस यू मस्ट नेवर लाई और चीट तो हम सिंपल डिक्लेयर कर रहे हैं सो इट इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस दैट इज डिक्लेयरेटिव एंड वी हैव टू पुट फुल स्टॉप योर ओके कम टू द नेक्स्ट फिफ्थ सेंटेंस प्रे एक्सक्यूज मी तो इसमें हम क्या कर रहे हैं इट इज़ अ टाइप ऑफ एंट्रीट एंड इट इज एन एम्परेटिव सेंटेंस सो वी पुट फुल स्टॉप योर ओके नेक्स्ट सेंटेंस सिक्स सेंटेंस दैट इज वट अ फूल यू आर हम जब भी कहते हैं वट अ फूल व्हाट आर रॉनसेंस सो ऑल दीज आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बिकॉज जो हम फील करते हैं वही हम एक्सप्रेस कर देते हैं इसे हम क्या कहेंगे इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड वी हैव टू पुट एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क वट आर हाउ इट सो ऑल दीज आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस नेक्स्ट कम्स टू द सेवेंथ वन Seventh sentence, what nonsense you talk. So when we say like this what, how, then it means ki hum kehne ki what nonsense you talk. Ja so then it is an exclamatory sentence because we are expressing some feeling. Jo ki koi baat thi, then we have to put an exclamatory mark. Please help me to lift this box again. I have put the sentence request please what is this request so request means that it is an imperative sentence okay february is the shortest month of the year so we are only declaring we are only saying that it is the shortest month of the year so simple sentence you know what is simple sentence it is just a declarative sentence so put a full stop हु डिस्कवर्ड अमेरिका अमेरिका किसने डिस्कवर किया वी आर आस्किंग द क्वेश्चन एंड वट यू नो वट इज क्वेश्चन दैट इज द इंटरोगेटिव सेंटेंस सो जस्ट वुड एन क्वेश्चन मार्क सो दिस इज द इंटरोगेटिव सेंटेंस सो आपको मैंने आज समझाया कि ईजिली आप कैसे जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसिस ना दस यू हैव लर्न ईजली आई थिंक और प्लीज़ आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक इट And thank you for watching the video. Okay.